तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहरि गई नमहु त्रयोग संहरि गई संहरि नमहु त्रयोग संहरि जय जिनेन्द्र छैडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पांच प्रकार की समितियों की चर्चा अब तक हमने की, अब हम आज चर्चा करेंगे और मुनिराज के कौन कौन से मूल गुण हैं। मंगलाचरण से आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सवसाहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जय बोलो आचार्य परमेष्ठी भगवंत की जय। मुनिराज के मूल गुणों की चर्चा हमारी चल रही है। अब तक हमने पांच महाव्रत और पांच समिति की चर्चा की, आज हम चर्चा करेंगे पांच प्रकार के इंद्रिय जय की और साथ में हम चर्चा करेंगे तीन गुप्तियों की। यद्यपि तीन गुप्तियाँ ये मुनिराज के 28 मूल गुणों के अंतर्गत नहीं है, परंतु मुनिराज इन गुप्तियों का पालन करते हैं। ये गुप्तियाँ आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों में हैं और अन्य मुनिराज के मूल गुणों में न होते हुए भी मुनिराज इन तीन गुप्तियों का यथाशक्ति पालन करते हैं। आपने पंच परमेष्ठी के मूल गुण पढ़े होंगे। अनंत परमेष्ठी के हैं 46 मूल गुण, सिद्ध परमेष्ठी के हैं 8 मूल गुण, आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 और सर्वसाधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण। तो ये जो सर्वसाधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण हैं, यह न केवल साधु परमेष्ठी पालन करते हैं अपितु आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी भी पालन करते हैं, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी भी साधु है। इसलिए जो साधु के मूल गुण हैं वे सभी मुनिराज अवश्य पालन करते हैं। आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी के गुण विशेष होते हैं। आचार्य परमेष्ठी संघ के नायक होते हैं, वे संघ के अंदर पठन, संघ के अंदर अन्य जीवों को दीक्षा आदि देकर उनको मुनि व्रत से अलंकृत करते हैं। साथ में जो कोई जीव किसी प्रकार का दोष करता है तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से मुनिराज के संघ के जो नायक होते हैं वे आचार्य परमेष्ठी कहे जाते हैं और जो संघ में पठन पाठन का काम करते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहा जाता है। उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं और यही उनके 25 मूल गुण होते हैं। आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों को पालन करते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित विधि से अपने शिष्यों को शुद्ध करते हैं और भी अनेक प्रकार की विशेषताएं मुनिराज की जिनकी होती है वे आचार्य परमेष्ठी से अलंकृत होते हैं। वास्तव में जो रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ के नायक होते हैं उन्हें ही हम आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। तो ये जो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण हैं वे आचार्य परमेष्ठी में तो होते ही हैं, लेकिन अन्य मुनिराज भी उसका यथाशक्ति पालन करते हैं और सर्वसाधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु समस्त जीव पालन करते हैं, अर्थात तीनों परमेष्ठी पालन करते हैं। अब हमने मुनिराज के जो 28 मूल गुण थे उनमें से हमने 10 की चर्चा तो करी, अब हम चर्चा करेंगे पांच इंद्रिय जय की। लेकिन पांच इंद्रिय जय की पहले चर्चा है तीन गुप्तियों की। क्या है वे तीन गुप्तियाँ और क्या है पाँच इंद्रिय जय, आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में। सम्यक प्रकार निरो मन वच काय आत्म ध्यावते तीन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा
फरश अरु शब्द शुभ असुहावन तिन में नराग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। भावार्थ। मुनि मन वचन और काय को अच्छी तरह रोककर जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं उस समय हिरणों का समूह उनकी ध्यानमग्न स्थिर मुद्रा को देखकर उन्हें पत्थर समझकर उनकी देह से शरीर की खुजली मिटाया करते हैं। यह मुनि की मन वचन काय रूप तीन गुप्ती कहलाती हैं। वे मुनि पांच इंद्रियों के प्रिय या अप्रिय लगने वाले विषयों में अर्थात प्रिय व अप्रिय स्पर्श रस गंध रूप और शब्दों में राग द्वेष नहीं करते। यह मुनि जनों का पंचेंद्रिय जय या जितेंद्रिय पद कहलाता है। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। अर्थात मुनिराज सम्यक प्रकार से मन वचन और काय का निरोध करते हैं। अर्थात मुनिराज भली भांति से मन वचन और काय इन तीनों योगों का निरोध करते हैं। तीनों योगों का निरोध करते हैं अर्थात मन में किसी प्रकार का शुभाशुभ चिंतन नहीं करते, वचन से कोई वचनों का उच्चारण नहीं करते और काया से किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करते। मन वचन काय की चेष्टा का रुक जाना, इसी का नाम है तीन प्रकार की गुप्ती है। वास्तव में गुप्ती संवर का उत्कृष्ट कारण है। गुप्ती मुनिराज की निवृत्ति का सूचक है कि बने वहाँ तक किसी प्रकार से बोलो ही मत और काया से कोई चेष्टा मत करो और मन में किसी प्रकार का शुभाशुभ चिंतन मत करो। रुद्रव संग्रह में गाथा आती है माँ चिंतह माँ चेटह माँ जंप, अर्थात हे जीव तू किसी प्रकार का चिंतन मत कर, किसी प्रकार की शरीर की चेष्टा मत कर और किसी प्रकार से बोल मत। समस्त बोलने का, समस्त प्रकार की काया की चेष्टा का और मन के अंदर नाना प्रकार के विकल्पों का त्याग करके तू अपने आत्मा का ध्यान कर। और ऐसा ध्यान मुनिराज के होता है। जब ऐसे ध्यान में मुनिराज लीन होते हैं तब मुनिराज के सहज में मन वचन काया का निरोध हो जाता है, मन वचन काय की समस्त प्रकार की चेष्टाएं बंद हो जाती है। उसी को हम कहते हैं मुनिराज गुप्त हो गए। वास्तव में गुप्ती अर्थात अपने स्वरूप में लीन हो जाना। आत्मस्वरूप में गुप्त जो हो जाते हैं तो उनकी तीन प्रकार की गुप्तियाँ होती है। पुराने ज़माने में अथवा आज भी अनेक लोग गुप्त हो जाते हैं, कहते हैं ये गुप्त हो गए हैं। गुप्त माने अब किसी को दिखाई नहीं देते। ऐसे मुनिराज अपने स्वरूप में गुप्त हो गए हैं, अब उनकी बाहर में किसी प्रकार की मनवचन काय की कोई चेष्टा दिखाई नहीं देती। और जब मुनिराज ऐसे आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं, ऐसी गुप्तियों में स्थित हो जाते हैं, तब उनकी स्थिर मुद्रा को देख कर हिरण भी भ्रम में पड़ जाते हैं और ऐसा समझते मानो कि वो कोई पत्थर की मूर्ति है और पत्थर की मूर्ति समझकर अपने शरीर की खाज को खुजालते हैं। आप देखिए हिरण जैसा चंचल पशु जो मनुष्य की आहट तक सुन के भाग जाता है, ऐसा पशु भी मुनिराज की शांत स्थिर मुद्रा को देखकर भ्रम में पड़ जाता है और ये समझता है कि मानो ये कोई पत्थर की मूर्ति है और पत्थर की मूर्ति समझ के उनसे अपने शरीर की खुजली खुजालता है। लेकिन मुनिराज का ध्यान भंग नहीं होता, मुनिराज अपने आसन से चलायमान नहीं होते। ऐसा मुनिराज का उत्कृष्ट ध्यान होता है। इन गुप्तियों से अलंकृत ऐसे मुनिराज होते हैं और जब वे ऐसे ध्यानस्थ होते हैं तब बाहर में क्या होता है उसकी उन्हें कोई खबर भी नहीं होती। इस प्रकार से तीन गुप्तियों से अलंकृत मुनिराज का जीवन होता है और धन्य है ऐसे मुनिराज का जीवन। इस प्रकार से हमने तीन गुप्तियों का स्वरूप समझा। अब हम समझेंगे पांच प्रकार की इंद्रियों का जय। एक अल्पविराम के बाद हम पांच इंद्रिय जय को समझेंगे। जय जिनेन्द्र छेड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। तीन प्रकार की गुप्तियों का स्वरूप हमने समझा, अब हम समझेंगे पांच इंद्रिय जय का स्वरूप। क्या है पांच इंद्रिय जय का स्वरूप, आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में। रस रूप गंध तथा फरश अरु शब्द शुभ असुहावने तिन में नरा
विरोध पंचे द्रिय जयन पद पावने। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ अशुहावने। रस अर्थात रस, इस रसना इंद्री का विषय है रस। मुनिराज रसना इंद्री के विषय में रागद्वेष नहीं करते। मुनिराज रस नीरस जैसा भोजन होता है उसे ग्रहण करते हैं। छह प्रकार के रसों का त्याग करके और रसना इंद्री को संयमित करके मुनिराज आहार को ग्रहण करते हैं। मुनिराज किसी प्रकार का राग रस में नहीं करते, अर्थात वे उनके लिए कोई आहार इष्ट नहीं होता कि उन्हें ये आहार इष्ट है। वे अपने लिए कहकर किसी आहार को नहीं बनवाते, वे इशारा करके किसी आहार को ग्रहण नहीं करते। वे मुनिराज रस नीरस जैसा भोजन होता है उसको साम्य भाव से ग्रहण करते हैं। इसी का नाम है रसना इंद्री विजय, रस रूप। और अगला विषय, अगला मूलगुण है चक्षु इंद्री जय, अर्थात मुनिराज प्रिय लगने वाले जो रूप होते हैं उनमें राग नहीं करते। चेतन और अचेतन नाना प्रकार के जो रूप होते हैं उन रूपों में मुनिराज किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार का राग, किसी प्रकार का प्रेम नहीं करते। मुनिराज किसी रूप को देखना नहीं चाहते। चेतन अचेतन समस्त प्रकार के रूप की आसक्ति का उन्हें त्याग है और इसी कारण से मुनिराज स्त्रियों के हाव भाव को, विलास को, उनके कटाक्ष को, उनके नृत्य गान को, इनको मुनिराज नहीं देखते, क्योंकि ये सब देखना राग का प्रतीक है। और मुनिराज चक्षु इंद्री को जीत लेते हैं, अर्थात उनको आँखों से कोई विषय देखने में अनुराग नहीं होता। कोई स्त्री सज धज के आए तो मुनिराज उसकी ओर दृष्टि नहीं करते। मुनिराज स्त्रियों के नृत्य गान को स्वयं न देखते हैं, न कोई देखते हुए की अनुमोदना करते हैं, न किसी प्रकार से उसमें राग भाव करते हैं। इस प्रकार से मुनिराज 9 कोटि से चक्षु इंद्री को जीतते हैं। और नाना प्रकार के जो आकार है, अर्थात समचतुर्थ आकार, निग्रोध परिमंडल आकार, वामन आकार, कुब्जक आकार, बोना आकार, इन किसी भी प्रकार के आकारों में मुनिराज राग द्वेष की वृत्ति नहीं करते। संसार में पुद्गल का जैसा रूप है उस रूप को देखकर वे साम्य भाव को धारण करते हैं और उसको अच्छा बुरा नहीं मानते। दुनिया नाना नाना प्रकार की चीज़ों को देखने जाती है और उसके लिए लाखों रुपए खर्च करती है। लोग अमेरिका को देखने के लिए, पेरिस के टावर को देखने के लिए हजारों लाखों रुपए का खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको चक्षु इंद्री की इतनी आसक्ति है कि वो उसको देखने के लिए अपनी दाढ़ी कमाई को भी खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन मुनिराज को इन जातियों का राग नहीं होता। वे किसी स्थान को देखने के लिए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें चक्षु इंद्री का राग नहीं है। मुनिराज किसी भी स्थान पर जाएंगे तो वो किसी कारण से ही जाएंगे, और वे कारण होते हैं या तो किसी तीर्थ यात्रा के लिए अथवा किसी मंदिर के दर्शन के लिए अथवा संयम की साधना के लिए, अर्थात यदि किसी स्थान पर जीव जंतु अधिक हो तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे, और आचार्य की वंदना के लिए अथवा किसी अन्य मुनिराज से धर्मोपदेश सुनने के लिए। तो मुनिराज इन कारणों से किसी स्थान पर जाते हैं, वे अनावश्यक किसी स्थान पर नहीं जाते। 5 इंद्री के विषय भोग के लिए किसी स्थान पर नहीं जाते। चक्षु इंद्री के विषय को उन्होंने इतना जीत लिया है कि वे राग को उत्पन्न करने वाली चीज़ें कभी देखते नहीं, और यही कारण है कि मुनिराज स्वप्न में भी टीवी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि टीवी के अंदर राग रंग का पोषण का प्रसंग बनता है, और इसलिए मुनिराज स्त्रियों के चित्त आदि का, स्त्रियों के रूप आदि को देखने का त्याग करने के बाद इन रागवर्धक दृश्यों को नहीं देखते। यह है मुनिराज का चक्षु इंद्री विजय मूल गुण। और क्या है? रस रूप गंध, अर्थात गंध माने चेतन से उत्पन्न हुई गंध और अचेतन से उत्पन्न हुई गंध। चेतन वस्तुओं के अनेक गंध होती है जो चैतन्य के निमित्त से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए पुष्प आदि की जो सुगंध है वो चैतन्य की गंध है, और अचेतन की गंध अर्थात अचेतन वस्तुओं के निमित्त से जो गंध बनाई जाती है, जैसे कुमकुम आदि
केसर है, चंदन है, जो अचित हो गई है, प्रासुक हो गई है, और ऐसी प्रासुक वस्तुओं की भी जो गंध है, इत्र, फुलेल, परफ्यूम, सुगंधित वस्तुएं, इन सभी वस्तुओं में मुनिराज राग नहीं करते। वास्तव में तो गृहस्थ को भी ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन वस्तुओं के बनने में असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती हो। एक परफ्यूम की बूंद बनने में असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है, और जो जीव उस परफ्यूम को लगाता है वह असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा करता है। और ये जो घ्राण इंद्रिय का विषय है, ये वास्तव में हमार को इंद्रियों का गुलाम बनाता है। इसलिए मुनिराज उन इंद्रियों के गुलाम नहीं होते। कोई व्यक्ति इन सुगंधित पदार्थों को लगा के आता है तो उसमें राग नहीं करते, सुगंधित पदार्थों में राग नहीं करते, और यदि दुर्गंध उत्पन्न होती है तो उस दुर्गंध में द्वेष नहीं करते। इस प्रकार से सुगंध और दुर्गंध में राग द्वेष का त्याग, वह है घ्राण इंद्रिय जय मूल गुण। और अगला मूल गुण है फलस अर्थात स्पर्शन इंद्रिय को जीतते हैं। मुनिराज ठंड में, गर्मी में राग द्वेष नहीं करते। तीव्र ठंड हो तो वे उसका प्रतिकार नहीं करते, गर्मी हो तो उसका प्रतिकार नहीं करते। ऐसे ही मुनिराज कोमल गद्दों पर अर्थात कठिन अथवा कठिन भूमि पे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करते। उन्हें कोई मृदु स्पर्श की चाहत नहीं होती, और कोई कठिन स्पर्श होता तो उसको दूर करने की चाह नहीं होती। और भी अनेक प्रकार के ठंडी, गर्मी, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, इन 8 प्रकार के जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं उनको मुनिराज पूरी प्रकार से जीतते हैं। मुनिराज गर्मी का प्रतिकार करने के लिए कभी पंखा आदि नहीं चलवाते, किसी प्रकार की एसी, किसी प्रकार के कूलर आदि का उपयोग नहीं करते, क्योंकि मुनिराज ने अपनी स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया है। उसी प्रकार मुनिराज शब्द इंद्रिय को भी जीत लेते हैं, कर्ण इंद्रिय को भी जीत लेते हैं। क्या है उनका कर्ण इंद्रिय विजय मूल गुण, इसको हम एक अल्प विराम के बाद पुनः समझेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मुनिराज के 5 इंद्रिय जय मूल गुणों की। 5 इंद्रिय जय मूल गुणों में हमने अभी तक समझा कि मुनिराज रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय को किस प्रकार जीतते हैं, और स्पर्शन इंद्रिय को किस प्रकार से जीतते हैं, इसको भी हमने चर्चा की। एक उदाहरण आता है स्पर्शन इंद्रिय के जीतने के लिए कि एक राजा था, वो प्रतिदिन अपनी सैया पे सोता था, और उस सैया को एक उसकी नौकरानी जो थी वो तैयार करती थी। नौकरानी उसकी सैया को अत्यंत गुलाब के पुष्पों आदि से सजाकर तैयार करती थी। एक बार सैया तैयार करते समय दासी को ये विकल्प आया कि क्यों ना इस सैया पे एक बार अपन भी सो के देखें कैसा आनंद आता है, और वो 5 मिनट के लिए सोई, और 5 मिनट के लिए सोते ही उसकी नींद लग गई। राजा थोड़ी देर बाद आया और उसने देखा कि ये दासी सैया पे सो रही है। उसको लगा कि ये तो रोज़ ही इस पे सोती होगी और मैं इसकी सैया पे रोज़ सो रहा हूँ। उसको बहुत गुस्सा आया उस दासी पे। उसने दासी को तत्काल नौकरों के द्वारा कारागृह में डलवा दिया। अगले दिन जब वो दरबार में उपस्थित हुई तो उसको सजा दी गई कि इसको 100 कोड़े लगाए जाए। उसको 100 कोड़े लगाना प्रारंभ किया। पहला कोड़ा लगाया जैसे ही तो बड़ी चीखी, दूसरा कोड़ा लगाने पर और चीखी, लेकिन जैसे ही तीसरा कोड़ा लगाया गया वो हंसने लगी। लोगों ने उससे पूछा, अरे तेरे को कोड़े लगाए जा रहे हैं और तू हंस रही है? दासी बोली कि राजन, मेरे को तो 2 कोड़े आज ही एक दिन में पड़े हैं, और केवल एक दिन में मैं सोई हूँ, तो उसका फल यदि मुझे 100 कोड़े मिल रहे हैं, तो जो रोज़ आप इस पर सोते होंगे तो उसका फल आपको नरक आदि गतियों में किस प्रकार का मिलेगा, मैं इस बात का विचार कर कर के, और अब मेरे को हंसना आता है कि आदमी ऐसे कोड़ों की कीमत पे भी उस फूलों की गद्दी पे सोने को तैयार है। एक दिन के गादी का सुख मेरे को इतने कोड़े मिल रहे हैं, तो जो रोज़ उसकी गादी का सुख भोगता होगा उसकी क्या स्थिति होगी, इस बात का विचार करके मेरे को आपके ऊपर करुणा आती है। तो आप देखेंगे कि ये पंच इंद्रिय के विषय कितने खतरनाक है। एक एक इंद्रिय के विषय के फल में जीव कैसा बंधन में पड़ता है। आपने शास्त्र में 5 इंद्रियों के गुलामों के उदाहरण पढ़े होंगे। स्पर्शन इंद्रिय का जो गुलाम होता है ऐसा हाथी, वो हथिनी को स्पर्श करना चाहता है, और हथिनी के स्पर्श के चक्कर में पड़कर वो अपने आप को बंधन में डाल लेता है। शिकारी हाथी को बंधन में डालने के लिए ट्रेंड हथिनी को सामने रखते हैं, जो हथिनी सीखी सिखाई होती है, और वो हथिनी हाथियों को लुभाती है। हाथी उसको देखकर उसके पीछे भागते हैं, और वो हथिनी जहाँ गड्ढा होता है
उस पर घास बिछी होती है उस गड्ढे के आसपास से निकल जाती है। हाथी इस बात को समझते नहीं और सोचते हैं कि हाथी नहीं इतनी घूम के क्यों जा रही है, और हाथी उसके ऊपर से दौड़ते हैं और गड्ढे में पड़ जाते हैं। अनेक साथी हाथी उसको गड्ढे में पड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन पुनः जब हाथी नहीं उस हाथी के सामने खड़ी कर दी जाती है तो पुनः उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी अपने आप को बंधन में डलवा लेता है। रसना इंद्रिय की आसक्ति में पड़कर मछली अपने प्राण दे देती है। शिकारी मछुआरे ये क्या करते हैं कि एक जाल के अंदर अन्न आदि रख के अथवा मांस रखते हैं, और उस मांस को खाने के लिए मछली जाती है और अपने आप को बंधन में डाल लेती है। इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय की आसक्ति में फड़कर भौरा अपने प्राण गवा देता है। जो भौरा अच्छी खासी मोटी लकड़ी को छेद सकता है, वो भौरा कोमल की कमल की पांखुड़ी की गंध में इतना आसक्त हो जाता है कि वो कोमल की कमल पांखुड़ी को छेदने में असमर्थ हो जाता है और उसी में घुट के वो मर जाता है। इसी प्रकार रूप को देखने के लिए पतंगा इतना आसक्त होता है कि वो आग के अंदर आग के रूप को देखने के लिए आग के अंदर घुसता है और उसमें जल घुलस के मर जाता है। इसी प्रकार हिरण शिकारी के मधुर संगीत को सुनने में इतना आसक्त होता है कि वो उसी के अंदर अपने प्राणों तक को गंवा बैठता है। जब शिकारी अच्छा मधुर संगीत छेड़ता है तो हिरण अपने आप उस संगीत को सुनता हुआ आ जाता है और पिंजरे के अंदर जाकर बंद हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक एक इंद्रिय के आसक्त जीवों की जब ये दशा है तो जो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो गए उन जीवों की क्या दशा होती है। और मुनिराज इन पांच इंद्रिय के गुलाम नहीं होते, उनको पांच इंद्रिय के विषयों की आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने पांच इंद्रियों को जीत लिया होता है, और यही कारण है कि वे पांच इंद्रिय के विषय को जीतने के कारण किसी प्रकार से पांच इंद्रिय के विषय के गुलाम नहीं होते। जो गुलाम होता है उसको इन पांच इंद्रिय के विषयों की आवश्यकता पड़ती है। जब मुनिराज पांच इंद्रिय के विषय के गुलाम ही नहीं है तो उनको पांच इंद्रिय के विषयों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। दवाई की आवश्यकता किसको है? जो रोगी है, जिसको रोग नहीं है उसे दवाई से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जब मुनिराज को पांच इंद्रिय के विषयों का रोग ही नहीं है तो उन्होंने पांच इंद्रिय के विषयों की उन्हें आवश्यकता पड़ती नहीं। वास्तव में पांच इंद्रिय के विषय को भोगने वाला पंचेंद्रिय विषय का रोगी है, और मुनिराज तो भोगी है। किस प्रकार से वे भोगी है? क्योंकि उन्हें पांच इंद्रिय के विषयों का रोग उत्पन्न ही नहीं हुआ है, अर्थात उन्हें पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। मुनिराज तो अपनी आत्मा के आनंद को भोगते हैं, और यही कारण है कि उन्हें पांच इंद्रिय के विषयों की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। जिसे सुख अपनी आत्मा में प्रतीत होता है, जो अपनी आत्मा के सुख को भोगता है, वो पांच इंद्रिय के विषय जन्य पीड़ा को, पांच इंद्रिय के विषयों के दुख को नहीं भोगता। इसलिए कहा कि मुनिराज रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द, अर्थात जो शब्द होते हैं शुभ और असुहावने, अर्थात जो अच्छे अच्छे शब्द, प्रशंसा के शब्द, वीणा बांसुरी मृदंग आदि नाना प्रकार के सुरीले शब्द, नाना प्रकार के गाने, नाना प्रकार के मनमोहक शब्द, इनके अंदर राग नहीं करते। और जो असुहावने शब्द है, अर्थात निंदा के शब्द, गधे का शब्द, इनमें द्वेष नहीं करते। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, अर्थात अच्छे लगने वाले शब्द, अच्छा राग रंग वाला शब्द, जिसमें अनेक प्रकार का संगीत हो, हारमोनियम हो, तबले की आवाज़ हो, नाना प्रकार के सप्त प्रकार के जिसमें स्वर से गाया गया हो, ऐसे अनेक प्रकार के गायन वादन, इनके अंदर मुनिराज राग नहीं करते, इसको राग भाव से सुनते नहीं। और निंदा आदि के शब्द अथवा कर्कश शब्द, इनके सुनने में द्वेष नहीं करते। तिन मेन राग विरोध, अर्थात तिन में राग नहीं करते और विरोध अर्थात द्वेष नहीं करते। पंचेंद्री जयन पद पावने, क्योंकि उन्होंने पांच इंद्री के जय को प्राप्त कर लिया है, पंचेंद्री के जीतने वाला पद को मुनिराज ने प्राप्त किया है, इसलिए वे पांच प्रकार के इंद्रिय विषयों में राग और द्वेष नहीं करते। पांच इंद्रिय के विषयों में राग वही जीव करता है जो पांच इंद्रिय के विषयों का गुलाम होता है, और पांच इंद्रिय के विषयों में द्वेष वही करता है जो पांच इंद्रिय के विषयों का गुलाम होता है। मुनिराज ने पांच इंद्रियों को जीत लिया है, पांच इंद्रिय के गुलाम नहीं है, इसलिए वो पंचेंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष को नहीं करते। यही मुनिराज का पंचेंद्रिय जय मूल गुण है। इस प्रकार से हमने पांच इंद्रियों को जीतने वाले पांच प्रकार के मूल गुणों को समझा।
और अब हम समझेंगे क्या है 6 आवश्यक और क्या है 7 शेष अन्य गुण। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। मुनिराज मन वचन तथा शरीर की प्रवृत्ति को रोककर आत्मिक आनंद को भोगते हैं। उस समय उनके ऊपर कोई उपसर्ग भी आ जाए तो वे ध्यान से किंचित भी चलायमान नहीं होते। श्री सुकौशल स्वामी, श्री सुकुमार स्वामी, श्री गज कुमार मुनि, 5 पांडव आदि मुनिराज इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हमें भी ऐसा ध्यान करना चाहिए।